तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। खैर गाइस, सबसे एक चीज़ मेरे को ये बोलनी थी कि सबसे ज़्यादा राम राम लिख दो और अपनी नई गाड़ी की जो वीडियो हो भाई इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक जो है आ जाएगी आप लोगों को, तो बस थोड़े दिन और इंतजार कर लीजिए आप लोग। कुछ गिना चुना कंटेंट रह रहा है स्विफ्ट का, वो निकाल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, डेली वीडियोज़ आ रही हैं। तो भाई देखो, अब यूँ है कि इस हम लोग वीडियो है इस पर एम कमेंट रखते हैं, सौदा ऐसे आ जाएंगे। कितने एम कमेंट रखें? एम कमेंट रखते हैं हम लोग 200 कमेंट का और लाइक्स का रखते हैं हम लोग मिनिमम 600। अगर आप लोग कर देते हैं तो जल्दी जो है न्यू कार की वीडियो भाई आ जाएगी। 100 लाइक्स वाला नहीं, 100 लाइक तो आप लोग ऐसे ही करते थे, ठीक है? तो एम कमेंट मेक श्योर आप लोग पूरा करें। एंड साउंड जो है एग्जॉस्ट की वो इससे थोड़ी ज्यादा सही है। ओ इंद्रा, एक साथ इंद्रा, इंद्रा, इंद्रा भाई पड़ोसी आप कुत्ता आ गया, वीडियो बना रहा था। वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चौथी या पांचवी वीडियो बैक टू बैक। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में दिखाई थी आपको पोर्शे की, नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिएगा, फॉर आर कार। एंड बहुत ही अमेजिंग वीडियो बनाई थी वो भी, मतलब मैं खुद अमेजिंग बोल रहा हूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी। देखो पता क्या होता है, जैसे अब मैंने पूरी गाड़ी रिवील कर दी तो मेरे को टेंशन नहीं रहती कि भाई आगे पीछे लुक्स दिख जाएंगे। तो ये चीज़ अब मैंने सोच ली कि जिस टाइम मैं जो काम कर रहा हूँ उसी टाइम जो है उसकी वीडियो डालते रहूँगा। इससे ईजी रहेगा कि आप लोगों को भी कंटेंट जल्दी जल्दी मिलता रहेगा और भाई जो मेरे को है फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है? आज की जो है अपनी रहेगी एग्जॉस्ट साउंड पे। मैं मतलब पीछे वाली तो शायद इतने अच्छे से सुना बना पाऊँ, बट हाँ ऐसे तो जरूर सुनाई दूंगा। तो पीछे से पहले डिक्की खोल लेते हैं पहले, एक बार वंस डिक्की खोलते हैं और फिर वेल्वेट्रॉनिक का सारा फंक्शन आपको सुनना। भाई पीछे का जो है ना ये ऐसे लगा हुआ है, क्या बोलते हैं अपने दो एग्जॉस्ट हैं, इनमें से एक जो है भाई वो एकदम खाली है, फ्री है। आपने अपने देखा ना, दिखाऊं मैं, ये देखो इसमें ना आ रही कोई हवा होगा एकदम यहाँ से ऐसे क्लोज। यहाँ ये देखो, ये अलग ही इस पे थोड़ा पेंट वेंट मैंने मारा था, उसके बाद भी जो है इसमें अंदर जंग लग गया है। दैट्स ऑल्सो नॉर्मल, कोई इशू नहीं है भाई, क्योंकि देखो अगर यूज़ नहीं हो रहा और अंदर अगर मेटल लगा हुआ है तो भाई वो जो चीज़ है वो जंग तो पकड़ेगी पकड़ेगी। अपना जो वर्किंग है ना भाई वो इस तरफ वाला वर्किंग है, तो ये वर्किंग है और इसमें से धुआं वुआ नहीं निकल रहा, हाल फिलहाल गैस निकल रही है सिर्फ जो अपनी हवा है वो, ठीक है? तो अब वेल्वेट्रॉनिक का सिस्टम समझाता हूँ आपको। देखो भाई ये है अपना वेल्वेट्रॉनिक, यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है? ये होती है वेल्वेट्रॉनिक की आपकी मोटर आती है, और ये जो मोटर आती है ना इसका खेल क्या रहता है, सिंपल मैं समझाऊँ। ये जो पाइप है ये नीचे जा रहा है, ठीक है? दे पाइप जो आपका नीचे जाने लग रहा है, ये नीचे जा रहा है आपका पाइप। ये क्या कर रहा है, जो अंदर आपका साइलेंसर लगा है उसके एक पतरे को, उसके एक इतने से मेटल के पीस को टक 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 ऐसे कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, ठीक है? यहाँ से अगर वर्किंग में दिखाएं अपनी पोर्शे की जो वाली जो की है, इसको देखो मैं ऑफ कर, इसको ऑन कर देंगे, ठीक है? ये ऑन हो गया, तो इसकी जो लाइट लगातार जल रही थी ये इसने क्या, अभी ऑफ कर देते हैं, ऑफ में लाइट बंद हो जाती है एंड वो जो पतरा है वो बंद हो जाता है। ऑन के टाइम क्या होता है, वो वैक्यूम ऐसा बनाता है ना, वो वैक्यूम ऐसा बनाएगा, अब देखो ऑन होगा तो ये वैक्यूम बना के उस पतरे को जो है ऐसे से करके ऐसे कर देता है, ठीक है? अब वो जो पतरा जब ऐसे से ऐसे होता है तो उसके बाद जो है आवाज़ आने लग जाती है। अब यहाँ से मैं दिखाऊँ आप लोगों को एक्शन में, ऑफ ऑन है, ठीक है? अब इधर भी अगर आप लोग एक बार लाइट जला के दिखाता हूँ, गाइस अब मैं सुना देता हूँ आप लोगों को आवाज़ की, आवाज़ कैसी आ रही बेसिकली इसकी। तो अभी जो है अपना ये बंद है, ठीक है? बंद में आप लोग देख सकते हो एकदम साइलेंट है, यहाँ से एकदम साइलेंट है, आप लोगों का आवाज़ जो है सुनने लग रही होगी कि साइलेंट में कैसी कुछ आवाज़ जो है आती है। और यहाँ से अगर मैं रेस भी दूंगा, अभी देखना यहाँ से रेस देता हूँ अभी, तो सुन सकना, सुनना मतलब आगे की जो मेरे फिल्टर है उसी की थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही, देखना
उसी की ज्यादा आवाज आ रही। पीछे की बात करूं तो पीछे में है जो कोई भी आवाज नहीं आ रही, सुन रहे हो? बस ये देख सकते हो पीछे की तरफ जो है किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है, और ये धुआं जो है वो आ रहा है सिर्फ उसकी वजह से। ये देखो कि भाई एकदम से ड्राइव करा है ना, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से धुआं आ रहा है, अपार्ट फ्रॉम देट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये देखते हैं एक बार कि एग्जॉस्ट जब खोल देते हैं फिर उसके बाद कैसी आवाज़ आएगी। एंड मैंने पिछले वाले से ये नोटिस करा है कि अब जो है पॉप्स एंड क्रैकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड साउंड जो है एग्जॉस्ट की वो इससे थोड़ी ज़्यादा सही है। और इधर ये किसका आ गया? इंदिरा 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 भाई पड़ोसी आओ, कुत्ता आ गया वीडियो बना रहा था वीडियो जा। हाँ, अब वाला जो मैंने न्यू एग्जॉस्टर्स में ये नोटिस करा है कि भाई जो पॉप्स एंड क्रैकल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब पॉप्स एंड क्रैकल्स नहीं बट हाँ जैसे मैं रेव करता हूँ तो उसके बाद टक 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 जो आवाज़ है वो थोड़ी आ जाती है। तो एक बार भी ऑन करते हैं यहाँ से, ये है यहाँ से ऑन हो चुका है। तो एक बार अभी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ थोड़ी, आई डोंट नो क्रैकल्स या वैसी आवाज़ जो है आएगी नहीं आएगी, लेट्स सी। तो ऐसा जो है कुछ आवाज़ इसमें से आती है, देखना। तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रंट और ऐसे बोलूँगा ब्लंट, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटी जो है इसमें सीखी आवाज़ अभी आती है। एंड टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से जो है यहाँ से ये हवा फेंकने लग रहा है। ऐसा नहीं है कुछ भी कि भाई जो मतलब धुआं हुआ इंजन में जो है कुछ खराबी हो रखी है। तो वापस एक बार आप लोगों को जो आवाज़ सुना देता हूँ, काश मेरे साथ कोई होता तो भाई मैं जो है वो आप लोगों को और आवाज़ सुना देता, बट यहाँ से भी आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा आवाज़ का, देखना। भाई एज सच जो है अपने इसके एग्जॉस्ट की कुछ आवाज़ आती है, तो मतलब जो पहला था ड्यूल एग्जॉस्ट था, बट ड्यूल से ज़्यादा मेरे को ये पसंद आ रहा है क्योंकि आवाज़ जो है थोड़ी बेसी भी हो चुकी है इसकी, साथ ही साथ जो है भाई मतलब कट 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 भी आती है जब हम लोग थोड़ा तेज़ भगाते हैं इसको फर्स्ट गियर पे, तो दैट इज़ गुड अबाउट दिस। एंड एडजस्टमेंट में मैं दिखाऊं तो एडजस्टमेंट में काफ़ी पापड़ बेलने लग पड़े थे, ये देखना, क्योंकि अंदर से जो है इसका मुंह काफ़ी ज़्यादा इस तरफ है, तो भाई मेरे को सेटिंग वेटिंग करानी पड़ी थी थोड़ी, एंड उसी के बाद जो है ये एज सच कुछ हुए थे यहाँ पे। तो दिस इज़ द साउंड ऑफ आर एग्जॉस्ट, एंड मेरे को देखो मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है पिछले वाले से। पिछला वाला जो है मैंने दे दिया था गुरजोत भैया को, उनने जो है एडजस्टमेंट करके, एंड मतलब जो भी मेरे को अमाउंट पड़ा ऊपर नीचे वो पेड है ऐसे जैसा भी था, बट हाँ एग्जॉस्ट इज़ वंडरफुल। ये वाले में बहुत ज़्यादा मेरे को जो है अमेजिंग साउंड आ रही है।